दोस्तों, एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये पपी आगे के पैरों के बिना पैदा हुआ था। आगे के पैर ना होने के बाद भी ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। जब लोगों को इसकी हालत के बारे में पता चलता है तो उसमें से एक व्यक्ति इसके आगे के पैरों के लिए एक स्पेशल व्हील चेयर बनाता है जो इसे चलने में सहारा दे सके। काफी दिनों तक तो इसे समझ में ही नहीं आता कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे करे, लेकिन धीरे धीरे इसे इसकी आदत होने लगती है। आज के समय में आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पपी कितना बड़ा हो चुका है और एक खुशहाल जीवन जी रहा है।